हाँ बिहार से आए थे आप? चलिए ये बात कर लीजिए आप। हेलो। हाँ सर बोलिए। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? मैं इसरार बात कर रहा हूँ सर। हेलो दीगो ना, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों ऐसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ नौकरी के बारे में बताता हूँ, रोज़गार के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ नोएडा, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद में जॉब कैसे मिले, यहाँ तक कि बैंगलोर के लिए बताता हूँ, अहमदाबाद के लिए बताता हूँ, पुणे और महाराष्ट्र के लिए बताऊँगा। तो आज की जो लोकेशन होने वाली है वो अलग कंपनी अलग लोकेशन के लिए होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को स्किप मत करना। आज की अगर इस वीडियो को देखा आपने तो श्योर है कि आपको जॉब भी मिलेगी और आपके अकाउंट में भी हर महीने 18 से 20 हज़ार मंथली की सैलरी भी आपको मिलती रहे। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी है, खाने और रहने की भी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे लोगों काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला भी है और पर डे मेरे वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है। तो अभी इस समय हम इंडस्ट्रियल एरिया में ही हैं और कंपनी के हम सामने बना रहे थे, बट क्या हुआ ना, धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमने कहा भाई धूप में ठीक नहीं है बनाना, हमने कहा बल्कि कंपनी बिल्कुल सामने ही है हमारे, है ना। और इस समय हम पार्क में हैं, जैसे कि सर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है और मैं टीम प्लस HR से हूँ और ये जो जिस कंपनी का आज हम रिक्वायरमेंट पूरी करने जा रहे हैं वो अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल है। तो आपके माध्यम से पहले भी हमारा अच्छा रिस्पांस रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वीडियो अपलोड होगा काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिलेगा और हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत जी, हम यही चाहते हैं कि हमारी वजह से लोगों को रोज़गार मिल पाए, हेल्प मिल पाए, क्योंकि हमें पता है कि आज के डेट में कितने हमारे भाई बेरोज़गार हैं। भाई साहब 10-12 डिप्लोमा कर करके बैठे हुए हैं, 7-7 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये में घर पे काम करें, क्या मतलब, बाहर निकलो। स्कोप सर सही बताऊँ बाहर ही है? स्कोप बाहर ही है। देखिए रोज़गार है, ऐसा बात नहीं है, लोग बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप बाहर निकलोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, घर में बैठे आपको समझ में नहीं आता, बाहर निकलोगे 2-4 लोगों से मिलोगे तो आपको मालूम चलेगा मार्केट है क्या। पैसे पैसे कमाते हैं लोग, टाइम लगता है। आज का जो ज़माना है वो स्किल का ज़माना है, स्किल है आपके पास तो रोज़गार आपके लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे मोबाइल आप बनवाने जाते हैं, अगर स्क्रीन टूटा हुआ है मोबाइल वालों को बोलिए कि भैया इसको बना दो, तो बोलता है 100 रुपया लेंगे, मतलब देखो 80 में कर दो, 80 रुपये में, बोलता भाई नहीं हो पाएगा आगे देख लो। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है। आपके पास अगर स्किल होगा, आप अगर ये बता सको कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतना पैसा लूँगा, तो ही आपकी जो इंक्रीमेंट होता है, ऐसे तो कोई देता नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक हुनर है, कला है। तो हम जो आज जो हायरिंग करने वाले हैं वो फ्रेशर्स के लिए है, हम आपको काम सिखाएंगे, आप आओगे यहाँ पे काम सिखाएंगे, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, काम सीखो आप, स्किल को बढ़ाओ, जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आपको सैलरी और बाकी सुविधाएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो भैया हम बात किस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं? ये इस कंपनी का नाम है जगदम्बा ऑटो। एक्चुअली ये ट्रांस ऑटो का एक प्लांट है, ये ट्रांस ऑटो इसका मदर कंपनी है और जगदम्बा ऑटो उसी का पार्ट है। तो पुणे की लोकेशन है और बेसिकली बनाती है 2-व्हीलर और 4-व्हीलर का ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, आपका क्लचेस, इनका ऑटोमोबाइल का टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये। और मैं अगर बात करूँ किस क्लाइंट के लिए करते हैं, तो क्लाइंट बहुत सारी है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, हीरो का है, इन क्लाइंट्स के लिए जगदम्बा ऑटो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। बहुत बढ़िया स्कोप है, मिनिमम 10वीं 12वीं पास से लेकर ITI ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा, इवन BTech तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। स्टाइपेंड है, सैलरी तो नहीं बोलूँगा, स्टाइपेंड है, जो शुरुआत है 10वीं 12वीं को अगर मैं बोलूँ तो 12-12.5 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम आपका 15-17 हज़ार रुपये तक BTech वालों और डिप्लोमा वालों के लिए है। इसमें सबके लिए बराबर अटेंडेंस अवार्ड है, 1500 रुपये है, 26 ड्यूटी पे प्रॉपर आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा वो ऐड होकर सैलरी के साथ में मिलता है। ओवर टाइम है, ओवर टाइम जो है वो सिंगल के हिसाब से है, सिंगल अगर आप कैलकुलेशन भी कीजिएगा सैलरी के हिसाब से तो मिनिमम 60 से लेकर 70-80 रुपये घंटा पड़ जाता है, जैसे जैसे क्वालिफिकेशन उस हिसाब से। यहाँ पे आपका कैंटीन की सुविधा है, यूनिफॉर्म की सुविधा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, कैंटीन सब्सिडाइज है, कूपन सिस्टम है, कूपन आपको दे देंगे हम 30 दिन का पूरा कूपन, आप एक एक कूपन अपना इस्तेमाल कीजिए और खाना खाइए। कूपन के द्वारा ही मिलते हैं कूपन? हाँ कूपन है, स्टार्टिंग में आपको पूरे मान लीजिए 30 कूपन दे देते हैं, 26 दिन ड्यूटी करना है, 30 कूपन दे दिया आपको, 4 संडे भी होते हैं तो संडे को अगर आप आते हो तो आपके पास कूपन एक्स्ट्रा रहता है। जिस मंथ में आप कूपन लीजिएगा उसी मंथ में आपका वो कूपन का डिडक्शन होता है, हम आपको कूपन प्रोवाइड कर देंगे, आप एक एक कूपन अपने शिफ्ट में, चाहे वो डे हो या नाइट शिफ्ट हो, रोटेशनल शिफ्टें हैं, हर 7 दिनों पर शिफ्टें चेंज होती हैं, तो शिफ्टें चेंज अनिवार्य है। जो नाइट में ड्यूटी कर रहा है उसका भी इच्छा होता है कि मैं डे में भी कभी काम करूं, तो इसी वजह से रोटेशनल शिफ्टें होती हैं 7-7 दिनों पर, वो चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे वो मैनेजर हो या एक ट्रेनी हो,
सबके लिए बराबर है, नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो शिफ्टों में अपना एक एक कूपन इस्तेमाल करेंगे, कूपन का जो दाम है 25 से 26 रुपये कूपन का एक दाम होता है पर डे का उनका, 25 से 26 रुपये। हाँ, वन टाइम शिफ्ट के अंदर में खाना है, बिल्कुल महीने का 800 रुपये मान सकते हैं, मान सकते हैं आप, 800 से कम ही पड़ेगा लेकिन 800 रुपये मान के चलिए, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि खाना जितना खाओ आप, चावल दाल सब्जी, ऐसा कोई ये नहीं है कि 4 रोटी देंगे आपको, 10 रोटी खाना है 10 रोटी खाओ आप, जितना खाना खा सकते हो पेट भर के खाना मिलता है। उसके बाद चाय वगैरह जो है वो हर जो 2 घंटे में 3 घंटे में चाय में, वो कंपनी की तरफ से है उसका। तो बात करें से जैसे कि आपको पता होगा, इस जो कैंडिडेट हमारे होते हैं वो बेचारे भाई हमारे काम करने जाते हैं, उनका मनोबल, उनका दिल तब टूट जाता है जब उनको सैलरी के लेके प्रॉब्लम आती है और कंपनी का इन्वायरमेंट अगर ख़राब होता है तो भाई उनको 20,000 दोगे जब भी नहीं रुकेंगे। ऐसा अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है, जो भी इस वीडियो के थ्रू बच्चे आएंगे, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अंदर में जो है आपके साथ बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में या शॉप फ्लोर पे, तो देखिए एचआर डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है। एचआर डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप जाओ उनको बताओ, आप बताओगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो कोई भी अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है आप मत बोलो। देखिए जो आगे बढ़ने बोलते हैं ना कि लोग परमानेंट कैसे हो जाएंगे, परमानेंट होने का ये होता है कि आपका अटेंडेंस, आपका परफॉर्मेंस और आपके बिहेवियर, आपका बिहेवियर जो है वो आपके हाथ में है। हाँ, परफॉर्मेंस कोई नहीं 100% होता, तो काम सीखने आए हो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन बिहेवियर आपके हाथ में है। आप गलत मत बोलो, आपके साथ कोई गलत बोलता आप आके उसके बारे में बताओ, देखो हम एक्शन लेंगे उसके बारे में। और बात रही सैलरी की, जो सैलरी हम बताएंगे उससे वहाँ जाके 100 रुपये बढ़ जाएगा लेकिन 100 रुपये घटेगा नहीं, ये पक्का है। क्या सैलरी क्या होने वाले अगर हम बात करें 10-12 वालों की? 10-12 की है यहाँ पे 12,000 रुपये हैं प्लस, हाँ 8 घंटे के 12,000 रुपये हैं प्लस 1500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड। ITI की बात करूँ तो 13,000 रुपये हैं प्लस 1500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड। डिप्लोमा की है 14,500 रुपये प्लस 1500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड। उसके बाद BTech का पड़ जाएगा 15,500 रुपये प्लस 1500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड। ओवर टाइम सबके लिए सिंगल के हिसाब से, ड्यूटी के सैलरी के हिसाब से। कैंटीन का सब्सिडाइज है, शिफ्टें ऑल्टरनेट होती हैं, 7-7 दिनों पे चेंज होती हैं, ठीक है, और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। अब एक साल की ट्रेनिंग पीरियड जैसे कि आपने बताया एज अप्रेंटिस तौर पर उनको रखा जाएगा, तो 1 साल के बाद कंपनी निकाल देती है? नहीं देखो, हम बच्चे को 3 साल तक रखेंगे अपने पास, ठीक है। 1 साल उसका अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद 2 साल और हम PFSI करके उसको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं एज एन एम्प्लॉई, और उसको हम फिर वापस अपने पेरोल पे रखते हैं। लेकिन डिपेंड करता है उन 3 सालों में बच्चे ने सीखा क्या, अगर उसको आगे बढ़ना है तो 8 घंटा ड्यूटी वो लड़का कर रहा है अंदर जाकर, तो उसको डिपेंड कर वो अंदर में जो अपना रिलेशन है, अपना काम, जो उसका सुपरवाइज़र हो, जो उसका इंजीनियर हो, उसके साथ वो काम कर रहा, उसको अच्छे से पता है कि मेरे को अंदर आगे बढ़ना कैसे है। हाँ, अब आगे बढ़ने का दो तरीके होते हैं, या तो तुम काम करके आगे बढ़ सकते हो सीख के, और दूसरा होता है कि आप जैसे जानते हो कि लोग जुगाड़ पानी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कि मैं पर महीने क्या सैलरी क्या अगर इनकम कर लेते हैं, अगर बात करें ओवर टाइम वगैरह लगा, ओवर टाइम लगा के अगर 10वीं 12वीं की मैं बात करूँ तो लगभग 17,000 रुपये। हाँ, और अगर मैं डिप्लोमा और इनके ITI की बात करूँ तो 20,000-22,000 रुपये ऐसे ओवर टाइम। हाँ, ओवर टाइम लगा के। तो हमें ऐसा ना, जैसे पिछली बार हमने जो वीडियो बनाए थे तो उसमें कितने बंदों की ज्वाइनिंग हुई है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्लिप चाहिए या तो फिर उनसे थोड़ी बातचीत हो पाएगी? हाँ बातचीत हो पाएगी, हाँ बातचीत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल हमारे उन बेचारे भाइयों कैंडिडेट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज भी लड़के ज्वाइन हुए हैं कंपनी में, एक्चुअली फ़ोन अलाउड है नहीं, आप जानते हो कि फ़ोन अलाउड नहीं होने का रीज़न है इसके पीछे कि देखिए आप एक मैसेज देखने, मेरा फ़ोन बज रहा है बार बार, मैंने साइलेंट कर रखा है वरना कंटिन्यूस फ़ोन आता है, सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक फ़ोन आता है। हाँ, तो अब एक मैसेज देखने के चक्कर में अगर कोई गलती हो जाए तो फिर वो कंपनी को नुकसान होता है। हेलो, कंपनी पहुंच गए ना, बाकी फॉर्मेलिटी हो गया ना जॉइनिंग का? अच्छा, कंपनी में तो पहुंच गया था, अब जा रहे हैं रूम पे। अच्छा चलो, रूम का हेल्प कर रहे हैं आपको वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स हैं? वो मेरा मामा का लड़का है ना, यही पे है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए थे? आप वीडियो देख कर आए थे यूट्यूब से इसरार भाई का? अच्छा अच्छा, कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ? बिहार से आए थे आप? चलिए जी, बात कर लीजिए आप। हेलो, कैसे हैं आप? मैं इसरार बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था तो ये बताओ आप, जैसे क्या नाम है आपका? राजा कुमार मान। राजा कुमार। अच्छा, ये जो जॉब आपको मिला है या जो जॉब आप ज्वाइनिंग करने गए हो आप, इसमें किसी भी प्रकार से कोई पैसा तो नहीं लिया गया किसी से? नहीं, जिनका हमने नंबर दिया था कॉन्ट्रेक्टर सुपरवाइजर का, तो प्रॉपर आपको कोऑर्डिनेट किए हैं? आता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं,
चलिए ठीक है भैया, हमें भी संतुष्टि होगा क्योंकि भाई हमारी जिम्मेदारी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी हमने इनसे बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, तो बस हमारी एक ही पहल होती जी सब चीज़ क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, अगर कोई भी ऐसा होता है ना, देखिए वैकेंसी का एक टाइम होता है, अगर आज वीडियो डाला है तो हो सकता है कि हमारे पास ये अगले 10-15 दिन तक वैकेंसी है, और ये भी हो सकता है कि मेरे पास 50-100 की वैकेंसी तो फुल हो गया हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लेट आते हैं तो बोलते हैं कि सर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ, या मेरे को रोक दिया उन्होंने, बोला बाद में आओ। तो आप देखो एक समय होता है तो आप कॉल करो तो इमीडिएट आपको कोई डेट दिया जाता है ना, तो उस डेट में आप पहुँचो। हाँ बिल्कुल, एक लिमिटेड टाइम होता है भाई कि क्या किसी कंपनी में एक हफ्ते चलेगी, किसी कंपनी में 2 दिन चलेगी, है ना। तो जैसा कि मैं बस हमारी एक ही पहल है, जो भी हमारे भाई बेरोजगार, लास्ट डेट कब है, कब तक भर्ती चलेगी इसमें आइए आप लोग। मैं तो बोलूँगा कि 31 तारीख को आप लोग निकल जाओ, ठीक है, और 10 तारीख के अंदर में, महीने के अगले महीने के 10 तारीख तक ये रहेगा, मतलब 10 जून तक भर्ती चलेगी। फटाफट से आ जाओ, इन भाई साहब का नंबर, सुपरवाइजर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बड़ा ही मेहरबानी, जो भी हमारे भाई इच्छुक हैं वो आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई नौकरी से, देखिए अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।